नमस्कार, शारदा बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ मुंडवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी सामाजिक विषय के अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन इस अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि मध्य युगीन में जब नगर में कोई यात्री आया होगा तो उसने ये सोचा होगा कि किस तरह का नगर होगा, क्या ये प्रशासनिक नगर है, क्या ये मंदिर नगर है, या वाणिज्य नगर है, या अन्य तरह का नगर है। तो इस तरह से सोच विचार वो समझते होंगे कि किस तरह का नगर है। इसमें हम देखें तो प्रशासनिक नगर भी होते हैं, मंदिर नगर भी होते हैं, वाणिज्यिक नगर भी होते हैं। इसमें हम लें तो प्रशासनिक नगर को लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो आज का प्रकरण है वो है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक केंद्र नगर, इसमें हम देखते हैं कि जब 12 महीनों बहने वाली नदी जो कावेरी नदी है तेंजावुर, हम इसमें भारत के जब दक्षिणी और उत्तरी दो भागों में भारत को बांटा गया था, उस समय जब चोल शासक जो थे चालुक्य, चोल पांडे, ये दक्षिणी भारत के थे, तो उनमें हम चोल शासक राजा राजराज उसमें देखते हैं तो उसके द्वारा जो नगर स्थापित किया गया था वो तेंजावुर। तेंजावुर जो नगर है वो कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर जो राजा राजराज ने राजराजेश्वर का मंदिर निर्माण करवाया था, यहाँ पर राजा राजराज द्वारा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया था, और जब इस मंदिर की जो घंटियां बजती थी तो उस समय वो बहुत ही सुंदर सुनाई देती थी, और उनकी जो ध्वनि होती थी बहुत ही मनमोहक लगती थी। तो इसका जो इस मंदिर का जो वास्तुकार था उसका नाम है मंदिर का जो वास्तुकार था वास्तुकार वो है कुंजरमलन कुंजरमलन राजराज पेरू थेचर। ये जो वास्तुकार था कुंजरमलन राजराज पेरू थेचर, इसके द्वारा इस मंदिर का वास्तुकार के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण कुंजरमलन ने जो है अपना नाम बहुत ही गर्व से उत्कीर्ण किया था, यानी इस मंदिर के जो वास्तुकार का नाम है हमें इसलिए पता है क्योंकि इसके मंदिर का जो वास्तुकार है कुंजरमलन राजराज पेरू थेचर, इसने अपने गर्व के साथ इस मंदिर की दीवार पर अपना नाम उत्कीर्ण करवाया था, इस कारण से हमें इसका नाम पता है। तो इस तरह से जो राजराजेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर का जो वास्तुकार है वह कुंजरमलन राजराज पेरू थेचर, और इन्होंने अपने गर्व से अपना नाम मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण करवाकर लिखवाया था। इसके अलावा भी हम देखते हैं तो उस समय कई महल राजमहलों का भी निर्माण करवाया गया था, उन राजमहलों में मंडप भी होते थे, उन मंडपों में राजा अपना राजदरबार लगाता था, और उन राजदरबारों से वो अपना राजदरबारों के द्वारा अपने अधीनस्थों को आदेश भी जारी करते थे। इन आदेशों के साथ में वहां पर जो अन्य जो कार्य होते थे वो उनके आदेशात्मक होते थे, आदेश भी दिया करते थे। इसके साथ वहां सैन्य शिविर भी लगाए जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय के जो वास्तुकार होते थे उनके द्वारा वास्तुकला बहुत ही भव्यतम होती थी। इसके साथ हम देखते हैं तो उस समय बाजार भी लगते थे जिसमें मसाले अन्य धातु वस्तुएं भी होती थी, इनके साथ में अन्य प्रकार की वस्तुओं का भी बाजार प्रचलन था। इसके साथ ही हम देखते हैं तो वहाँ उस समय सीरिया बुनकर जो होते थे उनके द्वारा मंदिरों के लिए झंडी और जड़ियों और राजा और अभिजातों के लिए बढ़िया सूती वस्त्र तैयार किया जाता था, और जन साधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार किया जाता था। इसके साथ में वहाँ पर कांस्य जो धातु होता था उसके द्वारा घंटा और अन्य प्रकार के वस्तुएं भी तैयार की जाती थी। कांसा जो होता है वो एक प्रकार का मिश्रित धातु होता है, इसमें कांसा जो होता है ये एक मिश्रित धातु होता है।
मिश्रित धातु, यानी इसमें दो प्रकार के धातु मिलाए जाते हैं, एक होता है तांसा और दूसरा होता है रांगे, इसको टीन भी बोलते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के ये घंटी के जो घंटा होता है मंदिरों के लिए उसका निर्माण बनाया जाता है। तो इसमें जो रांगे का अनुपात होता है वो कांसे से अधिक होता है, इस तरह इसलिए वो घंटे की जो ध्वनि होती है बहुत ही सुंदर और मधुर सुनाई देती है। कांसे और रांगे से बनी होती है। इसमें जब हम देखते हैं तो उस समय के जो मूर्तिकार होते हैं, तो मूर्तियों का जो निर्माण करवाया गया था उसमें लुप्त मोम तकनीकी का विकास हुआ था, उसको हम कहते हैं लुप्त मोम, लुप्त मोम तकनीकी, लुप्त मोम तकनीकी में क्या होता है कि उस समय जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो मोम की एक मूर्ति बनाकर तैयार कर ली जाती थी, फिर उसके ऊपर एक पतली चिकनी मिट्टी का लेप तैयार करके उसके ऊपर चढ़ाया जाता था, फिर वो मिट्टी सूख जाने के बाद में उसको पकाया जाता था, पकाने के बाद में उसमें से उस मूर्ति में से एक छेद किया जाता था और उस छेद में से उसको गर्म करके मोम को वापस बाहर निकाल लेते थे, और मोम बाहर निकालने के बाद में उसमें पिघला कर धातु भर, धातु को पिघला कर उसी छेद के द्वारा उस मूर्ति में भर दिया जाता था, मूर्ति में भर दिया जाता था, जिससे वो मूर्ति में वो जब धातु ठंडा हो जाता था और जम जाता था तो उसके बाद में उसकी जो मिट्टी की जो परत होती थी उसको सावधानी पूर्वक हटा लिया जाता था, जिससे वह सुंदर धातु की मूर्ति बन जाती थी। तो इसमें से जब मोम और मिट्टी दोनों निकल जाती है तो एक सुंदर धातु की मूर्ति बनकर तैयार हो जाती थी, और उस समय कांस्य की मूर्ति का बहुत ही प्रचलन था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इतिहास में युग भी आए थे, पाषाण काल युग, ताम्र युग और कांस्य युग, तो इसके द्वारा भी जब उसमें कांस्य की मूर्तियों और धातुओं की मूर्तियों का प्रचलन बढ़ा था, तो इस तरह से इन मूर्तियों का निर्माण कार्य किया गया था। तो उस मूर्ति को मोम के द्वारा तैयार, शुरुआत में मोम लगाई जाती थी और बाद में उसको एक धातु का रूप दे दिया जाता था, तो उसमें से मोम निकाल लेते थे, इसलिए इसको कहते हैं मोम, लुप्त मोम तकनीकी, यानी मोम के द्वारा तो उस मूर्ति की शुरुआत की जाती थी और बाद में उसको एक ठोस धातु के रूप में उसको धातु का आकार दे दिया जाता था। इस धातु के आकार के कारण उस मूर्ति को लुप्त मोम तकनीकी कहा जाता था, यानी उसमें से लुप्त यानी मोम उसको निकाल कर उसको बराबर कर दिया जाता था, मोम निकाल ली जाती थी और उसमें धातु, ठोस धातु से द्वारा उस मूर्ति को एक आकार और रूप दे दिया जाता था, इस तरह से उस समय तैयार किया जाता था। तो इस तरह से उस समय जो नगर व्यापारी और शिल्पीजन हमारा पार्ट का जो नाम है उसी प्रशासनिक केंद्र आता है। इससे आगे हम देखते हैं तो मूर्ति का मूर्ति भी बनाई जाती है और मंदिर का भव्यतम निर्माण भी कार्य किया जाता है। तो प्रशासनिक केंद्र के साथ में वाणिज्य केंद्र भी होता है, वाणिज्य केंद्र यानी व्यापार जो किया जाता है, तो उस समय बाजार में अन्य धातुओं की मूर्तियां वगैरह भी मिलती थी, अन्य उपकरण भी तैयार किए जाते थे, इसके साथ ही उसमें बाजार में मसाले, कपड़े, जो अन्य उद्योग होते थे वो भी चलते थे। तो इस तरह ये वाणिज्य केंद्र भी होता था। तो प्रशासनिक केंद्र के साथ में वाणिज्य वाणिज्यिक नगर भी था, तो इस तरह से ये दोनों साथ में चलते थे, वाणिज्यिक नगर भी हो जाता था और प्रशासनिक नगर भी हो जाता था। इसके बाद में हम देखते हैं तो मंदिर नगर, तो उस समय अनेक मंदिरों का निर्माण कार्य भी करवाया गया था। इसमें हम देखते हैं तो हमारे जो भारत में है, तो उसमें भारत में अनेक तरह के मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया गया है। जैसे हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में वृंदावन, तो वहाँ अनेक प्रकार के मंदिर बने हुए हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान के मंदिर भव्योत्तम बने हुए हैं। उसके अलावा भी हम देखते हैं तो जैसे आंध्र प्रदेश में तिरुपति का मंदिर है और ये मदुरई का मंदिर है। तो इसके साथ ही हम हमारे राजस्थान का नाम लेते हैं, तो हमारे राजस्थान में जो है, तो हमारे राजस्थान में हम देखते हैं कि अजमेर, अजमेर एक प्रशासनिक केंद्र होने के साथ साथ उसमें वाणिज्यिक भी है और मंदिर नगर भी माना जा सकता है, यहाँ पर सुंदर मंदिरों का निर्माण है। तो हम देखते हैं कि जो 12वीं सदी में हमारे प्रसिद्ध संत जो मुस्लिम थे वो मोहिदुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोहिदुद्दीन चिश्ती, अजमेर जो हमारा नगर है अजमेर, तो यहाँ पर ख्वाजा
जो 12वीं सदी में आए थे और आकर यहीं बस गए थे, 12वीं सदी में ही आए थे और यहीं आकर बस गए थे। इस कारण से यहाँ पर एक बहुत ही जो एक धार्मिक स्थल भी बन गया था। इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पुष्कर सरोवर है, अजमेर के पास में ही हमारा पुष्कर सरोवर, पुष्कर सरोवर भी है, जो हमारा एक पवित्र स्थल तीर्थ स्थल माना जाता है। और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो कई नगर ऐसे भी हैं जो मंदिर और धार्मिक स्थल के कारण भी प्रसिद्ध है। तो हम अजमेर को लेते हैं तो ये धार्मिक और मंदिरों के कारण भी प्रसिद्ध है। यहाँ एक प्रशासनिक केंद्र भी है। हम देखते हैं कि 12वीं सदी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर माना जाता था। इसके साथ ही जब मुगलों का राज आया तो उस समय ये एक सूबा केंद्र भी बन गया था। 12वीं सदी में ये चौहानों का महत्वपूर्ण नगर था। चौहान जो राजा थे हमारे भारत के, और राजस्थान इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें पृथ्वीराज चौहान का भी नाम आता है। तो उस समय हम देखते हैं तो उस समय अजमेर एक प्रशासनिक केंद्र था, बहुत ही मजबूत केंद्र था। लेकिन उसके बाद में जब मुगलों का शासन आया तो उस समय यह मुगलों का सूबा बन गया था। और वहाँ उसके बाद में जब 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ आए तो यहीं आकर बस गए थे। इस कारण से यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक बड़ी दरगाह भी है और इस दरगाह में अनेक लोग आते हैं जाते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने भक्ति दर्शाते हैं। इसके साथ हमारे यहाँ पुष्कर सरोवर है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो हमारे हिंदू संस्कृति का बहुत ही गौरवपूर्ण प्रतीक है। हमारे जो हिंदू धर्म और संस्कृति में हमारे 3 देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में ही है और कहीं पर भी नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो यहाँ प्रशासनिक केंद्र, वाणिज्य केंद्र के साथ में हम इसको मंदिर भी ले सकते हैं, मंदिर नगर, यानी ऐसे नगर जहाँ पर मंदिरों का अधिक निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो ये हमारा जो है वास्तुकार, वास्तुकला और वास्तुकार में हम देखते हैं तो उस समय भी मंदिरों का भव्य बहुत निर्माण हुआ था। उस समय राजा अपनी भक्ति और दर्शाने के लिए, भक्ति को दर्शाने के लिए मंदिरों का निर्माण कार्य करते थे। मंदिरों का निर्माण कार्य किया जाता था, उसमें दान अनुदान भी दिया जाता था। अनेक व्यापारी जो उच्च लोग होते थे वो भी मंदिरों में अपना दान देते थे, जिसके साथ साथ वहाँ वहाँ जो अन्य धार्मिक अनुष्ठान और कार्य होते थे वो इनसे दान दक्षिणा से पूरा किया जाता था। मंदिर के जो पुजारी होते थे उन्हें भी दिया जाता था। और इसके साथ में मंदिरों का जो राजा लोग होते थे, जो अभिजात लोग होते थे, बड़े व्यापारी होते थे, वे भगवान की भक्ति को दर्शाने के लिए वहाँ पर अपने मंदिरों का निर्माण कार्य किया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं तो मंदिरों का निर्माण कार्य भी होता, तो मंदिरों का निर्माण भी राजाओं के द्वारा किया गया था। जो भव्य इमारतें हैं उनका निर्माण भी राजाओं और अभिजातों के द्वारा किया गया था। इसके साथ जो अभिजात और व्यापारी जो उच्च विशिष्ट जो कुछ लोग होते थे वो भी मंदिरों और इनका निर्माण कार्य करवाते थे। तो अजमेर में जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निर्माण किया गया है, बड़ी एक दरगाह बनाई गई है। इसके साथ में पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। तंजावुर जो चोल शासकों की राजधानी थी तो वहाँ पर राजराजेश्वर का मंदिर है। इसका जो राजराजेश्वर मंदिर का जो वास्तुकार है वो है कुंदरमलन राजराज पेरुथेचन। इसका नाम बहुत ही गर्व के साथ मंदिर की जो दीवार है उस पर उत्कीर्ण किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो उस समय कांस्य की मूर्तियों का बहुत प्रचलन था और लोग लुप्त मोम तकनीकी के द्वारा इन मूर्तियों का निर्माण कार्य किया जाता था। अभी हमने जो पाठ के सारांश के रूप में अध्ययन किया है उसी में से मैं आपको 2 प्रश्न देती हूँ। तो पहला प्रश्न हमारा है, जो पहला प्रश्न है वो है राज राजेश्वर मंदिर के वास्तुकार का क्या नाम है। हमारा पहला प्रश्न है राज राजेश्वर मंदिर के वास्तुकार का क्या नाम है। दूसरा प्रश्न हमारा है
प्रश्न संख्या दो, वो है ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आज के हमारे ये दो प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। जो पाठ का सारांश के रूप में अध्ययन किया उसी में से ये दो प्रश्न है और उन्हीं में से ये हमारे उत्तर मिल जाएंगे। तो इन प्रश्नों का उत्तर देवें। धन्यवाद।